आई हैड अ शिफ्ट इन माइंड. इसको कह सकते हैं थोड़ा सा शायद फेमिलियल इन्फ्लुएंस था या थोड़ा सा लग तरह से इंस्टॉल किया गया था. मैंने ना सीरियसली ना मैंने स्टार्टिंग तो मैंने शुरू कर दी थी जब मैं हाउस जॉब कर रही थी फ्रॉम मंथ ऑफ मे, मतलब साथ साथ मेरी हाउस जॉब चल रही थी. आई लेफ्ट माई हाउस जॉब इन मंथ ऑफ सेप्टेम्बर और फिर मैं सीरियस हो गई. मैंने कहा अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ पढ़ाई है, किताबें हैं और मैं हूँ. इंडीड पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुश्किल चीज़ भी थी और मुझसे नहीं हुई. कुछ चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, मैं तो इसमें कहती हूँ कि किस्मत होती है, कुछ आपकी मेहनत होती है और कुछ अल्लाह का करम होता है. असलम नाज़रीन, मैं हूं वकास बुटा, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल पॉडकास्ट. नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर ज़ैनब तहर. इनका बैज है 18 और 2018 में इन्होंने CSS अपना कंप्लीट किया. जो इनका एक सफ़र रहा है, आज इनके साथ वो सफ़र डिस्कस करेंगे. इन्होंने CSS कैसे क्वालिफाई किया और कितनी मेहनत लगती है, ये रूटीन में कितना पड़ती थी, आज इनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम कैसे हैं आप? ठीक हैं मैम. सबसे पहले थोड़ा सा हम आपके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से है. मैंने एजुकेटेड स्कूल से पढ़ा हुआ है. एजुकेटेड स्कूल से. आपने मैट्रिक कब किया था? 2011 में मेरा, नहीं 2009 में. 2009 में आपका मैट्रिक है और कॉलेज तो फिर आपका 2011 में ही होगा. हाँ, मेडिकल मेरा नहीं, 9 में मैं इंटर हुई कनेक्ट कॉलेज में. हाँ. वहाँ से एग्जिट किया. 11 में मेरी एनरोलमेंट थी इलाहाबाद अकबर मेडिकल कॉलेज में. सही है. तो आप जब MBBS में आपका एडमिशन हुआ तो पहले शुरू में कॉलेज लाइफ में आपका माइंड था कि आपने MBBS करना है? अच्छा, शुरू से. माय मदर इज अ डॉक्टर ना. अच्छा, आपकी मॉम जॉइंट डॉक्टर हैं. और दूसरा ये बताएं कि आपने जो आपका CSS की जर्नी का सफ़र है, और ये एक इंसान माइंडसेट बनाता है कि भाई इन फ्यूचर मैंने ये करना है. तो जब आपका MBBS का सफ़र था, उस दौरान आपने अपना माइंडसेट बना लिया था कि मैंने CSS करना है, ये आफ्टर MBBS ये तो आपका माइंड बना? अच्छा, ड्यूरिंग MBBS ना दो माइंडसेट्स थे. एक माइंडसेट था टू गो फॉर USMLE, और ये मेरा काफ़ी देर तक प्रिवेल किया था टिल फिफ्थ ईयर ऑफ माई मेडिसिन ना, क्योंकि मैंने इलेक्टिव्स के लिए अप्लाई कर दिया. मैं इलेक्टिव्स के लिए जा रही थी, सडनली समथिंग हैपन्स के आई डिसाइडेड के नहीं, चलो अब CSS कर लेते हैं. इसको ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा यू सॉ के यू वॉट माई फादर रियली वॉन्टेड मी टू बी अ CSP ऑफिसर ना सिंस स्टार्ट ना, तो ही नेवर सेड टू मी. बट फिर हम लोग जब हाउस जॉब में आए थे ना, मैं आई डिड माई हाउस जॉब फॉर 3 months एंड आई रियलाइज्ड के पाकिस्तान को भी हमारी ज़रूरत है. हमारे काफ़ी बैचमेट्स जो हैं वो USMLE बाहर कर गए हैं, और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी. बट मैंने कहा चलो, फिर मैंने हाउस जॉब की. हाउस जॉब के दौरान ना आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर माई CSS. दैट्स व्हेन आई हैड अ शिफ्ट इन माइंड. इसको कह सकते हैं थोड़ा सा शायद फेमिलियल इन्फ्लुएंस था या थोड़ा सा लग तरह से इंस्टॉल किया गया था. देन आई गेव एन अटेम्प्ट और किस्मत से पास हो गई. नहीं, आप मुझे ये बताएं कि जब आप हाउस जॉब में थी, तो हाउस जॉब में मेरे ख्याल है कि 8 से 10 घंटे आपको हॉस्पिटल में देने होते हैं, ऐसी है. तो उस दौरान आपकी टाइमिंग कैसी है आपकी? अच्छा, हाउस जॉब में 8 से 10 घंटे नहीं, 24-36 घंटे देने पड़ते. अच्छा. तो मैंने क्या किया था कि मैंने ना हाउस जॉब की जब ड्यूरिंग मेरे फर्स्ट रोटेशन अभी शुरू हुई थी, तो उसमें जब अभी ना मैंने कहा चलो तैयारी करते हैं, तो मैंने ना किसी से गाइडेंस लेना, तो मैं पहले हाउस जॉब के साथ ट्राई कर रही थी. फिर जब मैंने जिनसे गाइडेंस ले रही थी ना, उन्होंने कहा बेटा अगर तुम सीरियस हो ना तो एक चीज़ को ध्यान दो, दो कश्तियों में नहीं बंदा सवार कामयाब हो सकता. तो फिर मैंने ना आई हैड अ ब्रेक फ्रॉम माय हाउस जॉब. आई डिड 2 rotations. अपनी हाउस जॉब ब्रेक कर दी? हाँ. कंप्लीट नहीं किया? नहीं. अच्छा. फिर मैंने CSS की तैयारी की. कितना अर्सा किया आपने? मैंने ना सीरियसली ना मैंने स्टार्टिंग तो मैंने शुरू कर दी थी जब मैं हाउस जॉब कर रही थी फ्रॉम मंथ ऑफ मे, मतलब साथ साथ मेरी हाउस जॉब चल रही थी. बट मैंने अपनी हाउस जॉब, आई लेफ्ट माय हाउस जॉब इन मंथ ऑफ सितंबर. सही है. और फिर मैं सीरियस हो गई. मैंने कहा अब कुछ नहीं है, अब सिर्फ पढ़ाई है, किताबें हैं और मैं हूँ. तो आई गेव मैन अटेम्प्ट इन फेब्रवरी, और फिर मैंने मार्च से अपनी हाउस जॉब ज्वाइन की थी दोबारा. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल का जो हमारा एक दौर है कि डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है, और डॉक्टर बनना हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी औलाद डॉक्टर बने. तो डॉक्टर का जो एक पेशा है वो एक बड़ा एक पेशा है हमारे लिए, हमारी जो एक कल्चर है. तो आप डॉक्टर बन गई, तो ये कम नहीं था कि आप जो CSS में आ गई आप? अच्छा,
एक होता है हर बंदे का ना सब्जेक्टिव होता है, पढ़ने का शौक ना कुछ लोगों में होता है, मुझे शुरू से ना पढ़ना मुश्किल नहीं लगता, मुझे किताबें दे दो और टाइम अपना मतलब तंग ना मुझे करे तो इंडीड पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुश्किल चीज़ भी थी और मुझसे नहीं हुई। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, मैं तो इसमें कहती हूँ कि किस्मत होती है, कुछ आपकी मेहनत होती है और कुछ अल्लाह का करम होता है। आई हैव अ फर्म बिलीव कि आपकी सक्सेस कॉम्बिनेशन होती है किसी एक सिंगल इवेंट का नहीं रिजल्ट होता। सही है। तो पढ़ने का शौक था, मुझे किताबें दे देती और शुरू से, वो कितने एक बच्चा शुरू से पढ़ने वाला होता है, तो शुरू से मैं पढ़ने वाली थी, सोशल लाइफ मेरी बिल्कुल जीरो होती थी, इन अ सेंस कि अगर फैमिली में कुछ मतलब लैक बच्ची आप शुरू से थी। हाँ। हमारी जरा नालायक नहीं थी आप। नहीं, मैं मेरे ख्याल से बस शौक था पढ़ने का। मैं एक ही एज अपने आप को दूंगी, मैं अपने घर में अपने तीन बहन भाई हैं, तीनों बहन भाई में सबसे ज्यादा पढ़ने का मुझे शौक था कि वो लोग पढ़ाई छोड़ के कहीं चले जाते थे, मैं कहती थी नहीं पढ़ाई। सही है। अच्छा मैम, आपको इस सफर के दौरान कब लगा कि मैं CSS कर सकती हूँ, और इस दौरान क्या आपको ये भी फील हुआ कि नहीं मैं नहीं कर सकती और मुझे स्टेप बैक कर लेना चाहिए? बिल्कुल, ये ना नॉर्मल फीलिंग है कि मैं नहीं कर सकती। बहुत इंस्टेंसेस पे ऐसे, और फॉर इंस्टेंस के जब मैंने सोचा ना कि मैंने हाउस जॉब ब्रेक कर लिया है, गवर्नमेंट सेटअप में ऐसे कि इट्स अ पेइंग हाउस जॉब इज अ पेड जॉब ना, बट जब आप ब्रेक करते हो ना तो वंस यू रीजॉइन इट दे डोंट पे यू। तो जब मैंने छोड़ पे मैंने कहा अच्छा, एक बार उस वक्त आया कि आई एम गोइंग टू लीव इट, तो इज़ इट वर्थ इट कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा। हर कोई, क्योंकि आप किसी से भी गाइडेंस लो वो आपको कहता है कि सफिशेंट 8 से 10 माह एक अच्छी तैयारी के लिए ज़रूरी होती हैं, तो मेरे पास 5 से 6 माह थे, मैंने कहा पता नहीं होगा या। अच्छा, सबसे पहले मेन चीज़ ये भी होता है, ये एक इशू होता है कि जो मिडिल क्लास तबका है कि अगर वो इस जर्नी के दौरान लाइक वो हाउस जॉब में हैं तो उनको अफोर्डिंग का भी मसला होता है, तो इस अफोर्डिंग का आपको जो मसला था आपको नहीं था, क्योंकि आप वेल एक सर अच्छी एक फैमिली से आपका ताल्लुक था, तो आपको इस तरह का फिनंशली कोई मसला नहीं था? नहीं मसला था। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताएं कि आपने CSS के लिए कोई अकेडमी रखी या खुद तैयारी की? अच्छा, जो मेरी रिटर्न की तैयारी थी ना वो थोड़ी सी अनकन्वेंशनल है, मैं किसी को उसको ये तो नहीं कहूँगी कि फॉलो माय पाथ। मेरे फैमिली में ना मेरे अंकल थे वो CSP थे, उनके बच्चे थे, तो मैं उन अंकल के पास गई थी गाइडेंस के लिए ना, तो उन्होंने मुझे ना हेल्प आउट किया था कि किस तरह करना है, लेकिन उनके पास जाने से पहले जो सब्जेक्ट सिलेक्शन थी ना, उस सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आपने देखा होगा अकेडमीज ना ओरिएंटेशन सेशंस देती हैं। बिल्कुल ऐसे। मैंने ना 2 अकेडमीज में गई ओरिएंटेशन सेशंस लेने, जस्ट टू हैव अ नो हाउ के व्हाट इज CSS और इसमें सब्जेक्ट्स कितने हैं, क्योंकि आपके किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए, कोई चीज़ करने के लिए एटलीस्ट आपके पास माइंड में क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि आप किस तरह उसको देखोगे। तो मैं ज़रूर गई थी ओरिएंटेशन के लिए, मैं 2 अकेडमीज के ओरिएंटेशन सेशंस मैंने लिए थे ताकि मुझे पता चले क्या है। वहाँ पर टीचर्स वर काइंड इनफ टू हेल्प मी आउट कि अच्छा, मैं एक मेडिसिन की मेरी बैकग्राउंड है तो हाउ कैन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हेल्प मी आउट ना। हाँ, तो मैंने गाइडेंस के तौर पर ज़रूर लिया था। आई वेंट टू एन अकेडमी फॉर होल 1 month अलॉन्ग विद माई हाउस जॉब ना, उधर से फारिग होना अकेडमी चले जाना, और जिस दिन नाइट ड्यूटी होती थी उस दिन हम नहीं जाते थे अकेडमी, तो उस तरह मैनेज किया ना। तो इनिशियली आई डिड गो टू एन अकेडमी फॉर 1 month कि मुझे ओरिएंटेशन हो जाए कि सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कौन से करने हैं। वंस आई डिसाइडेड माई सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट मेरा नहीं फाइनलाइज हुआ था, वो काफ़ी एंड पे जाके मैंने किया था जब आप फाइनल इम्तहान के लिए अप्लाई करते हो, तो वो सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद फिर मैं उस अंकल के पास गई कि अंकल अब मैंने ये मंजमून इंतखाब कर लिया, अब मुझे गाइड करें कि किस तरह करना है, तो वो फिर उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया। सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है उनसे आपने करवाई है जो ऑप्शनल के थी आपके? नहीं, उनसे नहीं करवाई, अकेडमी सब्जेक्ट सिलेक्शन उनकी अकेडमी की थी, उनके पास में कि वंस आई डिसाइडेड कि मैंने ये सब्जेक्ट रखने ना, आई वेंट टू हिम कि अब इनको CSS के पर्सपेक्टिव से किस तरह देखा जाए ना, क्योंकि हर मजमून CSS का माइंड जो एग्जामिनर है उसका माइंड सेट डिफरेंट है। अगर आप वही सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में इम्तहान दोगे तो शायद वो डिफरेंट एंगल से आपसे पूछ रहा हो ना। तो मैं उनके पास गई थी तो उन्होंने मुझे कुछ गाइड किया कि इन पेपर्स को किस एंगल से देखना है। फॉर इंस्टेंस उनकी जो अभी भी क्रूशल, मैं कोई मुझसे पूछे तो मैं बताती हूँ, उन्होंने कहा था कि बेटा आपने ना करंट अफेयर्स हो जाए, पाकिस्तान अफेयर्स हो जाए, एसेज हो जाए, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो एक करंट वाला पोर्शन है, इनको ना इकट्ठा करके तैयार करना है बिकॉज ये ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं। और साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक मशवरा दिया था कि न्यूज़पेपर रीडिंग आप लोगों को भी होगा, ऑलरेडी हर किसी के पास होता है कि न्यूज़पेपर इज़ वेरी क्रूशल ना। आई हैव नॉट बीन अ एवर्ड रीडर, कुछ लोग ना बुक रीडिंग के बड़ा शौक होते हैं, मेडिसिन की किताबें तो बहुत पढ़ी बट उसके अलावा मैंने कोई खास किताब ऐसे पर्सनल रीडिंग का मुझे कोई खास शौक नहीं था। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर को हैबिट बनाया था,
न्यूज़पेपर को कितना टाइम देती थी आप डेली? डेली जब मैंने सीरियसली तैयारी शुरू कर दी थी ना, तो मैं डेली का न्यूज़पेपर में जो आपने देखा होगा ओपिनियन वाले पेजेस होते हैं वो मैं डेली का निकाल लेती थी। और जब मैं एक तो फर्स्ट पेज आता है डॉन न्यूज़ का, डॉन न्यूज़ पढ़ती थी आप? मैं डॉन न्यूज़ डॉन पढ़ती थी। उसके अलावा ना एक ऐप आती है, फोन्स में अवेलेबल है, ऐप स्टोर्स पे अवेलेबल होगी, कोशे नाम से एक ऐप होती है। वो एक हमारी ना बैच में हमारी कॉलीग ही थी, वो भी सीएसएस की तैयारी कर रही थी, उन्होंने बताई थी कि इट्स अ वेरी गुड ऐप। उस ऐप में ना इंटरनेशनली या लोकली जो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं ना उनका सारा निचोड़ उस ऐप में होता है। आप उस ऐप को खोलते हो, आप बताते हो आपका कौन सा अच्छा वो है सब्जेक्ट जिससे रिलेटेड, टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको चाहिए, वो आप उस टॉपिक से रिलेटेड आपको मल्टीपल न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स दे देता है, एंड देन यू चूज एंड गूगल स्कॉलर की तरह से एक चीज है। काइंड ऑफ ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एन ऐप। सही है मैम, आपकी अटेम्प्ट कौन सी में किया? फर्स्ट अटेम्प्ट में। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब बहुत ज्यादा आप खुश नसीब हैं। हाँ बिल्कुल, किस्मत। सही है। अच्छा सबसे मेन क्वेश्चन मैम, आपने आपकी पूरे पाकिस्तान में 21 पोजीशन थी। हाँ, पहली अटेम्प्ट में आपने सीएसएस किया और सबसे मेन ग्रुप में आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप अपने आप को कामयाब समझती हैं? उस टाइम पे अगर मुझसे पूछा जाए कि जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन महसूस करती थी, तो हाँ उस दिन मैं बिल्कुल करती थी। आज शायद सब्जेक्टिव है, बिकॉज वो आपके पैरामीटर्स, गोल्स और चीज़ें बदलती जाती हैं, बट उस टाइम पे यस आई डिड फील माई सेल्फ टू बी सक्सेसफुल। अच्छा मैम, आपका जो बैकग्राउंड है वो MBBS था, तो करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ना आपके लिए तो काफ़ी मुश्किल हुआ होगा, तो आपने कैसे किया इसको? अच्छा हाँ, मुश्किल नहीं था, पता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, बिकॉज ये वो चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं और आप इसको देख नहीं रहे। फॉर इंस्टेंस अभी भी हम बैठे हुए हैं, देर आर मल्टीपल ग्लोबली लोकली हो रही हैं, और अभी शायद हमें टाइम नहीं होता या नहीं, लेकिन जब आप उनको पढ़ना शुरू करते हैं ना, वेरी इंटरेस्टिंग। जी अच्छा मैम, एक खुशी की लम्हा लाइक वो आप हमारे साथ मेन शेयर करें कि जिस दिन CSS का रिज़ल्ट था, तो रिज़ल्ट मेरे खिले दिन के टाइम आता है, दिन के टाइम आता है, तो उस दिन आपको पता था कि आज रिज़ल्ट आना है? नहीं, ये CSS का रिज़ल्ट होता है ना, ये जब आने वाला होता है ना, हर डेट बदलती रहती है, आ जाएगा फिर इवेंचुअली आ गया। तो उस टाइम भी ये होता रहे कि आ जाएगा फिर वो नहीं आ रहा था, तो 3-4 मरतबा ऐसे हुआ होता है। अच्छा जब आया तो आपको नहीं पता था? अच्छा जब आया ना, मैं आई थिंक सो ना, मैं अपने रूम में थी, आई गॉट अ फोन कॉल ना, मेरे एक ना इंटरव्यू के मेंटोर थे, उनके पास मैं इंटरव्यू की, बहुत ही हेल्प मी अलॉट आई वुड से, मतलब मैं इसमें पहले जिक्र नहीं किया, मैंने इंटरव्यू के लिए ना जो भी मुझे पता चलता था ना इस एकेडमी में देने, तो आई डिडंट लिफ्ट एनी एवेन्यू टू गिव एन इंटरव्यू ना, बिकॉज इंटरव्यू इज लाइक अ प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू एक्सेल ना, तो सारी बात आपकी रिफाइन होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, हर कोई अपने एंगल से आपको करेक्टिव मेजर्स सजेस्ट करता है ना, तो काफ़ी मैंने दिए, उसमें एक मुझे मेरे सर मिले, ही वॉज वेरी हेल्पफुल, उन्होंने बहुत गाइड किया, तो आई गिव हिम क्रेडिट के ही हेल्प मी अलॉट। और अगर मेरा इंटरव्यू, इफ आई डिड एक्सेल इन इंटरव्यू, बिकॉज मेरे रिटर्न में एवरेज, जब हमारा 2018 का इंटरव्यू था ना, वो ना एवरेज था इन अ सेंस के, सॉरी जो रिजल्ट था ना उसमें 500+ स्टूडेंट पास हुए थे, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पास हुए, तो एलोकेशन के चांसेस आपके कम हो जाते हैं ना, तो अब मुझे लगा अब इंटरव्यू के लिए ना एक्सेप्शनल मैंने एक एफर्ट डालना है, तो ही हेल्प मी अलॉट इन दैट ना, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम ना, तो मैंने कहा जैनब यू क्लियर इट। अच्छा उस दौरान उनकी कॉल आई? हाँ, तो उन्होंने क्या बोला कि आप क्लियर कर गए? आई हैव यू क्लियर्ड इट। और मैंने कहा, आप रूम में अकेली थी? आई वाज अलोन इन माय रूम, एंड ही सेड, मैंने कहा सर ग्रुप बेटा उसी में आई जिसकी ख्वाहिश थी, वो मैं बस फोन कॉल पे थे, आई रैन टू माय मदर एंड मैंने कहा आई क्लियर्ड इट लाइक अच्छा चलो फैमिली के साथ एंजॉय करो, आई विल कॉल यू बैक। सो दिस वाज हाउ द सबसे पहले किसको खुशी खबर दी आपने? अम्मी को दी। घर में अम्मी थी और अम्मी थी, मेरा छोटा भाई था। अच्छा छोटे भाई थे, फिर आपने किनको, अम्मी कितनी खुश हुई? और आप? अम्मी ने फौरन अब्बू को फोन घुमाया। अच्छा अब्बू किधर थे? मेरे अब्बू उस टाइम पे उम्रे पे थे। अच्छा उम्रे पे, माशाल्लाह, देखे ना उनकी बरकत भी तो थी ना, देखे ना, कहती ना दुआएं। हाँ दुआएं भी काम ले जाती है, तो वो बहुत खुश हुए। अच्छा ये एक थोड़ा सा मैं आपको एक शरीकाना क्वेश्चन है कि जब आपका रिजल्ट आया तो आप असिस्टेंट कमिश्नर का एक लोगो है आपके ऊपर ठप्पा लग गया, तो एक फीलिंग ऐसी आई कि एक जो शरीक होते हैं आपस में एक फैमिली में, बस अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गई तो अब मैं उनको देखूंगी?
नहीं तो इस तरह का या देखूंगी मींस के पता चलेगा कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बन गई हूं। मैं शुरू से ना अपने फैमिली में हाई अचीवर रही हूं। अच्छा हां तो इस तरह कोई और मेरी फैमिली में एवरीवन इज डूइंग रियली वेल इन देयर ओन मतलब मेरे कजंस हैं वो ऑलरेडी सर्विस में हैं वो ग्रुप उनका कस्टम्स है तो वो ऑलरेडी सर्विस में हैं उसके अलावा जो मेजॉरिटी बाहर हैं वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज हैं तो इस तरह का नहीं आई डोंट थिंक सो अगर उनको फील हुआ है तो मुझे नहीं पता। अच्छा बट मुझे नहीं फील हुआ। सही है। अच्छा जब आपका ये रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ गया है तो आपको ये फील हुआ है कि ये जो हमारे रिश्तेदार थे ना हमें इतनी लिफ्ट नहीं देते थे लेकिन अब वो हमारे पास आते हैं तो ये फीलिंग्स हुई हैं ऐसी हुई तो होंगी। मैं ये बात आपसे कह रही हूँ ना नहीं मुझे नहीं फील। एग्री करेंगी मटेरियलिस्टिक अप्रोच से? होती है मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है बिल्कुल होती है। आई हैव सीन इट इन पीपल। मैं अपनी बार में इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि हर फैमिली के डायनेमिक्स अलग होती हैं। सही है। क्योंकि हमें माई फादर डज ऑलरेडी टू मच तो वो पहले से वो जो कहते हैं ना फोकस ऑफ फैमिली वो ऑलरेडी हमारे घर की तरफ ऑलरेडी शुरू से रहा तो वो डिफरेंस नहीं आया। सही है। तो इसलिए मुझे नहीं महसूस हुआ बट अगर आप मुझसे कहें कि होता है आई टोटली एग्री होता है। आई हैव सीन इन पीपल आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल बैचमेट्स कॉलीग्स सीनियर जूनियर्स के बदलता है।